वर्ल्ड कप शेड्यूल का हुआ आधिकारिक ऐलान, जानिए कब कितने मैच होंगे भारत के कितने मैदान, किस दिन होंगे भारत के सबसे बड़े पांच घमासान, कब कहां होगा सबसे बड़ा मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान। जी आखिरकार आईसीसी ने ऑफिशियली तौर पर वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है और इसमें यह भी पता चल गया है कि टीम इंडिया के मैच कहां कहां होंगे, किसके खिलाफ होंगे, किस दिन होंगे। तो अपने इस वीडियो में हम आपको आईसीसी के द्वारा जारी किए गए पूरे वर्ल्ड कप शेड्यूल से रूबरू करवाएंगे, खास तौर पर टीम इंडिया के पांच सबसे बड़े मुकाबले कब किस मैदान पर किस टीम के खिलाफ है वो भी बताएंगे, और साथ ही टीम इंडिया के कुल मिलाकर जो 9 मुकाबले खेले जाने हैं उसका भी पूरा शेड्यूल बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस वर्ल्ड कप की शुरुआत, जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया था, 5 अक्टूबर से होने वाली है। 5 अक्टूबर को इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के मैच से इस वर्ल्ड कप के शुरू की शुरुआत हो जाएगी और इसके बाद टीम इंडिया का जो पहला मैच होगा वो 8 तारीख को पड़ेगा। 8 अक्टूबर को टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई के चैपॉक मैदान पर खेलने के लिए उतरेगी। इसके बाद टीम इंडिया का अगला मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ 18 अक्टूबर को दिल्ली में होगा। फिर टीम इंडिया का और इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला यानी कि इंडिया बनाम पाकिस्तान, ये मुकाबला होगा 15 अक्टूबर को और ये होगा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। फिर टीम इंडिया का चौथा मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ होगा, तारीख होगी 19 अक्टूबर और मैदान होगा पुणे का। फिर टीम इंडिया का पांचवा मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ 22 अक्टूबर को होगा, मैदान होगा धर्मशाला का खूबसूरत HPCA स्टेडियम। फिर टीम इंडिया का छठा मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ होगा और ये होगा 29 अक्टूबर को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में, यानी कि उत्तर प्रदेश को भी टीम इंडिया का एक इम्पोर्टेंट मैच मिल जाएगा। फिर टीम इंडिया का सातवां मुकाबला 2 नवंबर को मुंबई में होगा और ये होगा क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम के साथ। दरअसल दो टीमों को क्वालिफाइंग स्टेज में पार करके वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है, ऐसे में जो भी दूसरे नंबर की क्वालिफाइंग टीम होगी टीम इंडिया 2 नवंबर को मुंबई के स्टेडियम में उसी से भिड़ेगी। फिर टीम इंडिया का आठवां मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 नवंबर को होगा और ये होगा कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में। और फिर लीग स्टेज का टीम इंडिया का आखिरी और नौवां मुकाबला क्वालिफाइंग 1 टीम के साथ होगा 11 नवंबर को और ये होगा बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में। यानी कि अगर टीम इंडिया के जिन जिन मैदानों पर मैच होंगे उन पर नजर डालें तो वो होंगे चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, धर्मशाला, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु। यानी कि भारत के 9 अलग अलग मैदानों पर टीम इंडिया के मैचेस होंगे और जितने भी बड़े मैदान हैं सबको टीम इंडिया के मैचेस मिले हैं। इसके अलावा अगर इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के 5 सबसे अहम मुकाबलों की बात की जाए जो कि टीम इंडिया की दशा और दिशा तय करेंगे, उनके बारे में आपको बता दें तो टीम इंडिया का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा मुकाबला होगा वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को चेन्नई में होगा। फिर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ 22 अक्टूबर को धर्मशाला स्टेडियम में होगा। इसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ 29 अक्टूबर को लखनऊ के मैदान पर होगा और फिर पांचवा इंपॉर्टेंट मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 ही नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में होगा। वहीं टीम इंडिया के लीग स्टेज के मुकाबलों के बाद पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को बुधवार के दिन मुंबई के मैदान पर होगा। इसके अलावा दूसरा सेमीफाइनल 16 नवंबर को गुरुवार के दिन कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा, जिसके बाद 19 नवंबर को रविवार के दिन इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला यानी कि फाइनल मैच खेला जाएगा जो कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। अगर टीम इंडिया इन 5 मुकाबलों में जीत दर्ज कर लेती है तो वो बड़े आराम से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और फिर उसे लगभग 12 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप जीतने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया क्या इस वर्ल्ड कप को जीत पाएगी। ऐसे में आप बताइए आपको इस शेड्यूल को लेकर क्या कहना है और साथ ही साथ टीम इंडिया के 5 बड़े मैचों को लेकर आपकी क्या राय है, क्या टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीतने वाली है। जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। टीम इंडिया के शेड्यूल के इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं। हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।